Welcome to Exam Shiksha. Please subscribe and press the bell icon. सामने आया हूँ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एग्जाम शिक्षा में. प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा. जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए. मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ आपको और आपके लिए डाल रहा हूँ, ठीक है. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, तो मैं आपके लिए सब दे रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट करके. तो अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा केमिस्ट्री. तो जो हमारा है, देखिए पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है. तो कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड. ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद कर लीजिएगा. बताना इसके बारे में मैं बाद में देख लूँगा. अब हम आगे चलते हैं. ये हमारा है कंपाउंड एसिटिक एसिड, ठीक है. इसका फॉर्मूला ये होता है. अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे फॉर्मूले आते हैं सारे, ये याद कर लीजिएगा. कभी कभार फॉर्मूले पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में चाहे पूछ लेते हैं. मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290. बॉइलिंग पॉइंट 391. ये हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछ लेते हैं. क्या होता है? CH3Cl. मेल्टिंग पॉइंट 200. इसका बॉइलिंग पॉइंट 534. इथेनॉल का फॉर्मूला पूछ लेते हैं. CH3CH2OH. 156 351. मीथेन हम जानते ही हैं, क्योंकि मीथेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें जो है वो मीथेन बहुत इंक्रीज कर रहा है क्या, ओजोन डिप्लीशन को, ठीक है. ये 90s का मल्टी पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट 111. ये भी हो गया हमारा. अब हम आगे चलते हैं. अब ये हम देख लेते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप में जैसे मैंने पिछले उसमें बताया कि एलोट्रॉप कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं. पहला क्या होता है? डायमंड, ठीक है. ये डायमंड होता है, हमारा हार्डेस्ट मटेरियल है. बॉन्डेड विद 4 कार्बन, ठीक है. एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है. कौन सा स्ट्रक्चर होता है? 3D. दूसरा ग्रेफाइट. ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फादर इसको अगर करेंगे तो ग्रेफीन इससे बनता है, ठीक है. और छोटे में जाएंगे तो इससे ग्रेफीन बनता है. उसके बाद तीसरा जो एलोट्रॉप है इसका क्या है? 6C60 बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है. फुटबॉल शेप का होता है ये. इसमें ग्रेफाइट जो है वो किसके साथ? एक जो कार्बन एटम वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है. कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल एरे. और ठीक है, इसका फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है. ये तीनों हमारे एलोट्रॉप्स भी हो गए. जो हमारा चेन जो ब्रांच और रिंग है देखिए, ठीक है. चेन ब्रांच रिंग मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन नॉनेन डेकेन, ठीक है. ये 10 तक होते हैं. मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, ठीक है. तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आपको बस फॉर्मूले देख लेना कि इसका क्या होता है. C6H4 फॉर्मूला HCHHHHH, ठीक है. ये फॉर्मूला इसका होता है. इथेन मतलब 2C2 कार्बन 2 होंगे, C2H6, ठीक है. ऐसी फिर 2 यहाँ ऐसी CC अटैच कर दीजिए, बाकी सब हाइड्रोजन अटैच कर दीजिएगा. ऐसी प्रोपेन C3H9, ठीक है. H8 होगा C3H8. ऐसे आप करते जाएंगे इंक्रीज. मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन नॉनेन. ये हमारा चेन और रिंग भी हो गया. तो हम आगे चलते हैं. एक हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है बेंजीन. इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं क्या होता है. C6H6 इसमें
कार्बन भी 6 रहते हैं, हाइड्रोजन भी 6 रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी आप हाइड्रोजन यहाँ 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 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, किसी एग्जाम में कभी आए तो पूछ लेता है, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक्सेप्शन पड़ जाता है, क्योंकि मीथेन में CH4 होता है, इथेन में C2 हो जाता है, इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं अपोजिट पेयर पे, ठीक है। बस इतना देख लीजिएगा, तो हम आगे चलते हैं। अब जो है ये हेट्रो ग्रुप है, ये होते हैं हमारे हेट्रो एटम, ठीक है, हेट्रो एटम, और ये फंक्शनल ग्रुप, ये फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन का, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, हेलो एल्केन्स होते हैं, इसका जो होता है फॉर्मूला ऐसे ही अटैच कर देते हैं इसको, ठीक है, ये होता है हेलो, ठीक है हेलो। बाकी जब और ऑक्सीजन के साथ जब आ जाता है, ऑक्सीजन के साथ हो गया हमारा एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, चौथा कीटोन। इसका क्या फॉर्मूला था, OH अटैच कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। एल्डिहाइड का O, ये कार्बन के साथ, यहाँ O यहाँ H, कार्बन डबल बॉन्ड एक सिंगल, कार्बन COOH, कीटोन CO, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रहता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी आपको कंफ्यूजन हो कि क्या है, तो लास्ट में आप देखिएगा OH दे रखा है तो वो एल्कोहल होगा, CHO दे रखा है एल्डिहाइड होगा, COOH दे रखा है कार्बोक्सिलिक और ऑक्सैलिक एसिड देता है, कीटोन है तो CO, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम बस हम ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम व्यू को लेके। बाकी जो है हमारा केमिकल जो प्रॉपर्टी है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हो गई, जब कम्बशन होता है, कम्बशन किसी को देख लेते हैं, जैसे CH3CH2OH, ये क्या है, कौन सा ग्रुप में है, ये एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, OH दे रखा है तो एल्कोहल इथेनॉल, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, हीट एंड लाइट, ये हमारा इथेनॉल है, ठीक है। अब ये एक थोड़ा रिएक्शन आप ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आगे बताता हूँ, शुगर केन से रिलेट करके, जहाँ मोलेसेस को कन्वर्ट किया जाता है, कम्बशन भी हमारा हो गया, और जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये देखिए कोल, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनता है, बहुत सालों से बायोमास जो होता है कलेक्टेड होता जाता है, उसके चलते जो सड़े गले पदार्थ रहते हैं बायोमास, ठीक है, वो बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाते हैं, तब जाके कोल बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोल कैसे बनता है, बायोमास जो रखे रखे बन सड़ जाते हैं, फिर जाके वो बन जाता है, जैसे डिके डेड बॉडीज हो गई, कुछ हो गया डिकेस पार्टिकल्स हो गए, तो वो जाके ये बनाते हैं। अब हम एक और देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन जो हमने देखा था, ऑक्सीडेशन मिथेनॉल को ही ले लिया इन्होंने,
इथेनॉल को ले लिया, C2 है तो इथेनॉल किसा KMnO4 पोटेशियम परमांगनेट में, ठीक है, एल्कलाइन होता है ये, एल्कलाइन H2O, सॉरी ठीक है, क्या बनाएगा CH3COOH, कार्बोऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये ग्रुप देख लीजिएगा और ये OH मतलब एल्कोहल, ऑक्सीडेशन भी हमारा हो गया। तो इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कार्बन के एलोट्रॉप आप देख लीजिएगा, बाकी जो एल्कोहल एज ए फ्यूल जो यूज़ होता है हम देख लेते हैं। एल्कोहल जो मैंने अभी हमने एल्कोहल एज फ्यूल अभी ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको UPSC में भी पूछा जाता है। जो हमारा शुगर केन है, हम जानते हैं कि शुगर केन एक ऐसा है हमारा प्रोडक्ट जिसे जल्दी ही कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये इसे अगर कन्वर्ट हीट करते हैं तो ये मोलासेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मोलासेस में फॉर्म हो जाता है, और जो मोलासेस जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद ये फर्मेंट, इसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करके हमें क्या मिलता है, एल्कोहल, एल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन देखा था, क्या CH3CH2OH, इसको क्या किया अभी थोड़ी देर पहले हमने, हाँ, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। तो बहुत सारी कंट्रियाँ हैं यही यूज़ करती हैं, शुगर केन को मोलासेस में कन्वर्ट कर देते हैं और एल्कोहल बनाते हैं, उससे फर्मेंट करके इथेनॉल बनता है, फिर इथेनॉल जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीट एंड लाइट, जो हमारे व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा ये भी हो गया, अब हम आगे चेक करते हैं, कुछ बचा है आपके वाले लिए, तो एक हम देख लेते हैं जो ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, ईस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ईस्टर ये स्मेलिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, स्मेलिंग एजेंट्स फूड में यूज़ करते हैं, हर कहाँ बहुत जगह यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इसका फॉर्म, इसका जो रिएक्शन होता है इसे ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 मार्कर मेरे ख़त्म हो रहे हैं, CH3COH, ये क्या है, कार्बोऑक्सैलिक एसिड प्लस CS किसके साथ, इसको रिएक्ट किया इथेनॉल के साथ, CH2OH क्या फॉर्म करेगा, जब एसिड में रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा हमारा ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, CH2CH3 ये हमारा क्या बना दिया, ईस्टर्स, ठीक है। कार्बोऑक्सैलिक जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा जाके बनता है, ठीक है, क्या, ईस्टर, ठीक है, जो स्मेलिंग एजेंट होता है, यूज होते हैं हर जगह। इस्टरीफिकेशन हमारा हो गया, और लास्ट में जो है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सोप्स एंड डिटर्जेंट, बस थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सोप है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, यही जो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद ये फॉर्म हो जाता है। और जो डिटर्जेंट में होता है, ये डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट्स में अमोनियम और सोडियम सल्फेट दो चीज़ रहती है इसमें, सल्फोनेट सॉल्ट्स रहते हैं,
इन्फ्रेंट सॉल्ट, ठीक है, जो सोप, सोप में ये होते हैं और डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो यूज होते हैं, जो कैल्शियम और सल्फ में, कैल्शियम और मैग्नीशियम में रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमारा हो गया चैप्टर, ये हमारा कार्बन एंड कंपाउंड भी चैप्टर हो गया है। एक चीज हमारी छूट गई थी पिछले चैप्टर में, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारा इम्पोर्टेंट एक चीज़ रह गई थी, वो बहुत ज़रूरी है बताना क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये दो चीज़, ब्रास, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दो हैं, इसके अलावा क्या क्या हैं, इसके देखो, इसके दो अलावा हैं, इसके अलावा हैं कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड जिंक है, सॉरी कॉपर एंड जिंक, ये हर एग्ज़ाम में पूछा है, मैं मुझे भी कंफ्यूजन होती है याद करने में, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, और इसमें होता है कॉपर और टिन इसमें, ठीक है, और एक सोल्डर जो होता है इसमें होता है लेड, लेड रहता है और टिन रहता है, ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करें, ये जेड जो है इस, मतलब ब्रॉन्ज जेड है तो इसमें जिंक नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, जेड इसमें ब्रॉन्ज में है तो जिंक नहीं होगा, तो क्या होगा, टिन होगा, ठीक है, इसमें जेड नहीं है तो इसमें जिंक होगा, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही याद किया था, क्योंकि इसमें जेड है तो जिंक नहीं है, क्या होगा, टिन होगा, इसमें जेड नहीं है तो क्या होगा, इसमें जिंक होगा, नहीं है जेड तो जिंक होगा, है जेड तो नहीं होगा जिंक, ठीक है, क्या होगा, कॉपर के साथ टिन होगा, उसमें कॉपर के साथ जिंक होगा, बाकी सोल्डर में, सोल्डर जो है आपका उसमें लेड और टिन होगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो डालता रह रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए, ठीक है, ठंडी है, बच के रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।